अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को सो लेट्स स्टार्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो अल्ट्रावाइलट और विजिबल रीजन में होते हैं अल्ट्रावाइलट रेडिएशन का जो रेंज होता है वो टेन नैनोमीटर से अप टू फोर नैनोमीटर राउंड अबाउट इस बीच होता है जबकि विजिबल जो है 400 से 800 हंड्रेड में ये इसका रेंज आता है इस वजह से ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें ये रेडिएशन यूज़ होते हैं, इसको यू वी वेजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसका पर्पस क्या है पर्पस इसका मेन जो पर्पस है इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कंजुगेटेड एंड नॉन कंजुगेटेड सिस्टम एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन और एक्सटेंट ऑफ सचोरेशन मालूम करने के लिए कि आया ये सिस्टम कंजुगेटेड है या नहीं है या ये सेचुरेट है या नहीं है इस चीज़ को मालूम करने के लिए यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वो यूज़ होती है फर्दर मोर आइडेंटिफिकेशन के लिए ये यूज़ होती है फंक्शनल ग्रुप भी हमें पता चलता है कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन का एक टेक्निक है इसके अलावा यू वी विजिबल रेडिएशन जिस तरह पिछली वीडियोज़ में हमने आई आर रेडिएशन और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो एन एम आर में यूज़ होते थे आई आर रेडिएशन आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होते थे यहाँ पर जो रेडिएशन यूज़ होते हैं यू वी विजिबल रेडिएशन ये ज़्यादा इनर्जेटिक है एंड दे कैन कॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िशन अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िशन क्या चीज़ है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाते हैं नीचे से ऊपर एक्साइटेशन या फिर ऊपर से वापस नीचे जो है डी एक्साइटेशन तो यही इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होती है ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन वाले जो रेडिएशन होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं इवन सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मलिक्यूल्स के अंदर ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काज कर सकते हैं एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काज कर सकते हैं ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन वाले रेडिएशन जो होते हैं अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल पर अब ये थोड़ा सा और भी मैं इसको एलेबोरेट करूँगा आगे वीडियो में लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का है वो क्या है बेसिक प्रिंसिपल द एनर्जी लेवल इन अ मलिक्यूल इज क्वांटाइज्ड एंड रिक्वायर फिक्स क्वांटिटी ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग एक्साइटेशन अब जिस तरह हमें पता है कि किसी भी एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें ऐटम्स के हवाले से या मालिक्यूल्स के हवाले से उसकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है मतलब डिस्क्रीट सर्टन मेजरेबल वैल्यूज़ है फिक्स वैल्यूज़ है तो वहाँ पर एलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं अब ये जो एक्साइटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो भी फिक्स होती है जो दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है इतनी एनर्जी अगर इस नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो ये ऊपर चला जाएगा अब इसी बुनियाद पर इसी बेसिक प्रिंसिपल पर यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस करती है अगर हम यू विजिबल रेडिएशन वो पास करेंगे तो अगर उसकी एनर्जी जो है इन एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काज करेगा और आगे जो जो एब्ज़ार्ब होंगे उसके लिए हमें एब्ज़ार्बेंस और ट्रांसमिटेंस की वैल्यूज़ वो आ जाएगी किस तरह आएगी और इस प्रिंसिपल को आगे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे लेकिन सबसे पहले हम आते हैं कंजुगेटेड सिस्टम पर कि कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये ब्यूटाडाइन है और वन थ्री ब्यूटाडाइन है अगर इसको आप देखें इसमें ये जो कार्बन एटम्स है सारे इसको अगर आप देखें इसकी हाइब्रिडाइजेशन है एस पी टू एस पी टू का मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन एटम है इसके पास तीन एस पी टू हाइब्रोडाइज है और एक इसके पास अनहाइब्रिडाइज पी आरबिटाल है जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है सिमिलरली ये कार्बन भी एस पी टू हाइब्रोडाइज है तो इसके साथ भी अनहाइब्रोडाइज पी आरबिटाल है ये भी है और ये भी है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो मतलब कहने का ये है कि अगर इसके हम रिप्रेजेंटेशन कर सके जो तमाम के तमाम कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं उसको हम इस इसके लिए अगर हम मालिकुलर आरबिटाल तीरी वाली रिप्रेजेंटेशन करें तो वो किस तरह आएगी कि ये हमने चार डाट्स लगाए हैं ये चार पी आरबिटाल और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है जिस तरह हमने एम में डिस्कस किया हुआ है मालिकुलर आर्बिटॉल तीरी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ी होगी और डिटेल वीडियोस मैंने उस पर बनाई हुई है तो अब यहाँ पर आप देखें ये चार पी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आर्बिटॉल्स हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन चार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक दूसरे के साथ वो जॉइन हो सकते हैं कंबाइन हो सकते हैं और ये आरबिटाल जब कंबाइन होंगे तो मालिक्यूल में जो मालिकुलर आर्बिटाल बनते हैं वो चार तरह के होते हैं फॉर एग्जाम्पल पहले वाला केस क्या है कि सिग्मा बॉन्डिंग मालिकुलर आरबिटाल पेर पाई बॉन्डिंग मालिकुलर आरबिटाल पेर पाई स्टार बॉन्डिंग मालिकुलर एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर आरबिटाल और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर आरबिटाल अब ये चार इलेक्ट्रॉन हैं इसको मैंने एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन आरबिटालस को एनर्जी सबसे कम इसकी है फिर इसकी फिर इसकी और फिर इसकी एंड सो आन अब यहाँ पर आप देखिए अगर इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो क्या करूँगा दो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पर आ जाएंगे फिर दो इलेक्ट्रॉन पाई वाले बॉन्डिंग मालिकुल आरबिटाल में वो चले जाएंगे अब यहां पर ये सब बातें करने का मकसद क्या है क्योंकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने समझनी है लेकिन यहां पर ये भी आप नोट कर ले कुछ ओकेबलरी आप भी अपने साथ नोट कर ले ये जो आर्बिटॉल्स है दे आर कॉल्ड होमो हाइएस्ट ऑक्युपाइड मालिकुलर आर्बिटॉल्स हाइएस्ट ऑक्युपाइड मालिकुलर आर्बिटाल बाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ने कौन से सबसे आगे वाले जो ऑर्बिटालस से जिनको आकुपाई हुआ है और ये जो है फाइव स्टार वाले ये है लोवेस्ट अनऑकुपाइड मालिकुलर आर्बिटाल्स और इस होमो और लोमो के दरम्यान एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस है अभी तक आप इतना समझ लो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नॉन कंजुगेटेड सिस्टम है और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने क्या किया, किया कि यूवी विजिबल लाइट जो है इसे पास कर दिया लट से अल्ट्रा रेडिएशन आ रही है और ये एक नॉन कंजुगेटेड मालिक्यूल है जिस तरह ब्यूटेन है तो क्या होगा यहाँ पर डिटेक्टर हमें क्या बताएगा कि तमाम के तमाम का जो लाइट है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा कोई एब्जॉर्बन नहीं आएगी लट से अगर हमारे पास ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है लट से ये है वन थ्री ब्यूटाडाइन वाला तो इस सिस्टम को अगर आप देखें इस सिस्टम से अगर हम यूवी लाइट पास करेंगे तो डिटेक्टर हमें सिग्नल देगा कि कुछ रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है और कुछ जो है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो चुकी है कंजुगेटेड सिस्टम तमाम के तमाम जो रेडिएशन है यूवी रेंज में उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि कुछ ख़ास एब्जॉर्बेंस इसकी होगी जिसको हम कहेंगे लेमडा मैक्स इसको भी आगे डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों नॉन कंजुगेटेड सिस्टम ने यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया जबकि कंजुगेटेड सिस्टम ने यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखें ये जो पाई मालिकुलर ऑर्बिटाल है इसमें लट से इलेक्ट्रॉन है एक है या दो है जितने भी है और पाई स्टार जो है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ये जो होमो वाला है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मालिकुलर ऑर्बिटल और ये जो लोमो वाला है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मालिकुलर ऑर्बिटल इन दोनों के दरमियान एनर्जी का एक गैप होगा क्योंकि ये क्वांटाइज्ड है ये जो ऑर्बिटॉल है ये क्वांटाइज इसकी फिक्स एनर्जी है कोई इस तरह की आगे पीछे नहीं हो रही है तो इन दोनों के दरमियान एक स्पेसिफिक डेल्टा ई वैल्यू होगी अब अगर हम इस यूवी लाइट को पास करेंगे और उस यूवी लाइट की जो एनर्जी होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और वो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी वो मैच कर रही है इन दोनों के दरमियान जो डेल्टा ई है उसकी एनर्जी इतनी होगी कि जितनी इन दोनों की डिफरेंस है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उस यू वी लाइट को एब्ज़ॉर्ब करके ऊपर इसकी एक्साइटेशन हो जाएगी और कुछ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब हो जाएगी बाकी आगे चली जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऊपर चला जाएगा अब यहाँ पर आप देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करनी है वो ये है कि द डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा ई बिटवीन होमो एंड लोमो का रिस्पांड्स टू यू वी लाइट यूवी लाइट यहां पर जितनी एनर्जी जो है वो डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है इसलिए कंजुगेटेड सिस्टम जो है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है क्योंकि इनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है जबकि इनकी जो एनर्जी लेवल है वो अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में वो नहीं आता इसलिए जो है यहाँ से ये एक्साइटेशन ये ट्रांजिशन हो सकती है अब अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्तलि तरह के ट्रांजिशन जो है वो पासीबल है या इस तरह आप कह लें कि यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी डिफरेंस हैं और उसके साथ एनर्जी मैच कर रही हैं वो कौन कहाँ कहाँ पर मैच कर रही हैं कौन कौन से जो जॉर्बिटालस हैं उनके दरम्यान जो एनर्जी डिफरेंस है वो यू वी विजिबल रीजन में आता है तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मुख्तलि है सिगमा टू सिगमा स्टार एन टू सिगमा स्टार पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार अब यहाँ पर मैंने इसको एनर्जी वाइज जो है वो लिखा हुआ है सिगमा है पाई है पेर एन है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेर पाई स्टार और पेर सिगमा स्टार तो यहाँ पर आपको क्लियरली देख सकता है कि सिगमा टू सिगमा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है पेर यहाँ से एन टू सिग्मा स्टार हो सकती है पेर पाई टू पाई स्टार हो सकती है और एन टू पाई स्टार हो सकती है ये जो मुख्तलिफ़ ट्रांज़िशनज हैं ये यू वी विजिबल रीजन में वो फॉल करते हैं अल्ट्रावाट रेडिएशन के लिए ये ट्रांजिशन जो है ये पॉसिबल है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिक्वायर होगी वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांज़िशन के लिए वो रिक्वायर होगी और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांज़िशन ये कब होगी जब आपके पास सेचरेटेड हाइड्रोकारबनज होंगे जिस तरह जो है इटेन है जिस तरह प्रोपेन है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उस केस में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी फिर आपके पास एन टू स्टार ट्रांजिशन जो है ये भी हो सकती है और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सेचुरेटेड कंपाउंड जिसमें सिंगल बाड हो सारे लेकिन साथ में एक हेट्रो एटम मौजूद हो और उसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो तो वहां पर ये ट्रांजिशन हो सकती है हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर ये चीज़ें साथ में मौजूद हो सिमिलरली यहां पर थर्ड वन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है अन कंपाउंड्स के लिए होती है अनसेचुरेटेड कंपाउंड जैसे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें मौजूद हो तो उसको हम अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड्स है वो बोलते हैं सिमिलरली अगर आपके पास ट्रांजिशन पॉसिबल है एन टू पाई स्टार तो ये अनसेचुरेटिड भी हो और साथ में कोई हेट्रो एटम जो है उसके साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो मौजूद हो कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है सिंपली अल्टरनेटिंग मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं जिस तरह आप देख सकते हैं ये मल्टीपल डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर मैंने आपको बताई भी हुई है बात के कंजुकेट सिस्टम में अल्टरनेट मल्टीपल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि अगर लट से लट से यहाँ पर रेडिएशन जो है वो मैंने पास की और कोई एब्जॉर्ब नहीं हुई तो जो मेरे पास वो ग्राफ आएगा जो स्पेक्ट्रम आएगा यूवी विजिबल का वो इस तरह स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एब्जॉर्बेंस जो है वो ज़ीरो है किसी वेवलेंथ वाली रेंज में कोई एबज़ॉर्बेंस नहीं हुई लेकिन अगर ये कंजुगेटेड सिस्टम है इसमें सिचुरेशन मौजूद है मल्टीपल बैंड मौजूद है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर हम इसे रेडिएशन पास करेंगे तो डिटेक्टर जो है वो क्या करेगा यहाँ पर ये एब्ज़ॉर्बेंस है तो यहाँ पर कुछ एब्ज़र्बेंस शो करेगा और फिर ये यह यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा मतलब मैंने आपको बात समझाई कि तमाम के तमाम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा जो मैक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कार्बन टू कार्बन सिंगल बांड अगर होंगे 135 नैनोमीटर फिर कार्बन हाइड्रोजन 125 इस तरह इथिन का जो है 171 वन और ब्यूटाडाइन का 217 हंड्रेड यहाँ पर आप दे सकते हैं इस रेंज में ये रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं आगे जो है पर विजिबल रीजन जो है वो शुरू होता है इनशाला इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेकर जाएंगे अब ये जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं आगे वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे बियर लेम्बर्ट ला क्या चीज़ें और किस तरह हम इससे क्वांटिटेटिव और पेर क्वालिटेटिव कलर डिटर्मिनेशन हम किस तरह वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स टेल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड थैंक यू वेरी मच